नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आरजेडी आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव एक विचार है, वो जहां रहे बिहार के लिए चिंतित रहते हैं। तेजस्वी ने जंगल राज को विपक्ष का प्रोपोगेंडा करार देते हुए कहा कि झूठे विकास का चोला पहनकर ये लोग जंगल राज चिल्लाते हैं। बिहार में युवा परेशान है, कोई विकास नहीं, बिना घूस के काम नहीं होता। जब तक सामाजिक न्याय नहीं, नफरत और भेदभाव नहीं हटेगा, तब तक विकास नहीं होगा। लालू यादव ने 2014 में कहा था कि वक्त है देश टूटेगा या एक रहेगा, तय कर लीजिए। लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। आज देश को बेचने का काम किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम और रसोई गैस के दाम कहां भाग रहे हैं? क्या कहा गया था अच्छे दिन आएंगे, अब क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग कहते हैं कि हम देश नहीं मिटने देंगे, याद हैं वो नारे। इन लोगों ने ही समाज को तोड़ने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। इसके साथ ही जीएसटी, नोटबंदी, क्या क्या नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि आपके मुख्यमंत्री तो घर की दीवारें ही ऊंचा करवाते हैं। लालू जी के समय गेट खुला रहता, लगता था वो जनता के मुख्यमंत्री। कुछ लोगों की कमी से ऐसे लोग सत्ता में आ गए। बिहार की जनता ने 2020 में जनादेश महागठबंधन को दिया और चुनाव का नतीजा चुनाव आयोग ने दिया। ये चोर दरवाजे की सरकार है। जानबूझकर आरजेडी को हरा दिया गया। सड़क से सदन तक आरजेडी ने संघर्ष किया। हद तो तब हो गई जब इस सरकार ने कोरोना काल में भी कमाई। नीतीश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। देखिए, मिला लिया तो जनता उन्हें सबक सिखा रही। वो भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह। खैर, आरजेडी अपना संघर्ष जारी रखेगी, राज्य के युवाओं और आम लोगों की आवाज बनकर काम करती रहे। भाषण के आखिर में उन्होंने कहा कि भरोसा रखे, जनता की सरकार बने। लालू जी ने कभी समझौता नहीं किया, तेजस्वी भी नहीं झुके। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।